यस, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्राण है तो जीवन है, स्टॉप। प्राण है तो इंद्रियां कार्य करती है, स्टॉप। प्राण और देव पर्याची शब्द है, स्टॉप। अक्षर सृष्टि रूप है, स्टॉप। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के आधार पर कहा जा सकता है कि सातों लोक की प्रजाएं और क्रियाएं प्राणों पर आधारित है, स्टॉप। प्राण ही भूत और भौतिक पदार्थों का जनक है, स्टॉप। यह प्राण ही वेद विज्ञान का आधार स्तंभ है, स्टॉप। जिसके द्वारा सब प्राणवान है वही प्राण है, स्टॉप। प्राण प्रतिरक्षण क्रियाशील है, स्टॉप। प्राण के संबंध से वस्तु में जो कंपन होता है कोमा वह क्रिया कहलाती है, स्टॉप। पेरा जिसमें क्रिया होती है उसमें से प्राण का कुछ भाग निकल जाता है, स्टॉप। जिस प्रकार सरोवर में से एक बिंदु पानी निकल जाता है उसी प्रकार कुछ भी भाग कम होता हुआ नहीं दिखता, स्टॉप। उसी प्रकार एक अंगुली हिलने या चलने फिरने से शरीर में प्राण की कमी मालूम नहीं होती, स्टॉप। परंतु कमी अवश्य होती है, स्टॉप। किसी भी क्रिया को यदि देर तक करते रहे तो अवश्य ही हम थक जाते हैं, स्टॉप। यह थकना केवल प्राण की कमी है, स्टॉप। जब इस अनंत आकाश से प्राण की कमी पूरी हो जाती है तो थकान मिट जाती है, स्टॉप। अतः सभी क्रियाएं प्राण का ही विकार है, स्टॉप। पैरा श्वास गति को भी प्राण कहते हैं, स्टॉप। श्वास प्रश्वास ही जीवन का आधार है, स्टॉप। उसी से सारी जीवन कलाएं कार्य करती है, स्टॉप। श्वास प्रश्वास को प्राण कहने का अभिप्राय यह है कि हृदय और फेफड़ों को सतत कार्यशील रखने वाली शक्ति मुख्य प्राण है, स्टॉप। प्राण से ही अंग प्रत्यंग और नस नाड़ियां निरंतर अपना अपना काम करती है, स्टॉप। इंद्रियां कोमा मन तथा बुद्धि भी प्राण के आधार पर स्थित है, स्टॉप। यदि इंद्रियां कोमा मन और बुद्धि सुसूचित में निष्क्रिय हो जाते हैं कोमा पर प्राण तब भी अपना कार्य करते रहते हैं, स्टॉप। जागृत कोमा स्वप्न और सुसुपित तीनों ही अवस्थाओं में प्राण शक्ति का प्रवाह शरीर की सारी नाड़ियों में होता रहता है, स्टॉप। इस रूप में प्राण प्रवाह सदा बहिर्मुख रहता है, स्टॉप। पैरा एक बार विभिन्न इंद्रियों में स्थित प्राण अपने श्रेष्ठता के लिए परस्पर विवाद करने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, स्टॉप। तब उन प्राणों ने अपने पिता प्रजापति के पास जाकर पूछा, भगवन स्टॉप, हम में से श्रेष्ठ कौन है? क्वेश्चन मार्क। प्रजापति ने उत्तर दिया कि तुम में से जिस तत्व के निकल जाने पर शरीर प्राणहीन दिखाई देने लगे कोमा वही तत्व श्रेष्ठ है, स्टॉप। तब वाक इंद्रिय शरीर से बाहर चली गई, स्टॉप। उनसे एक वर्ष तक प्रवास में रहने के बाद लौटकर पूछा, मेरे बिना तुम जीवित रहने में कैसे समर्थ रह सके? क्वेश्चन मार्क। तब इंद्रियों ने कहा, जिस प्रकार गूंगा कोमा वाणी से बिना बोले हुए प्राण को
नेत्रों से देखता है कोमा, कानों से सुनता है और मन से चिंतन करते हुए जीवन यापन करता है। स्टॉप, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। स्टॉप, ऐसा सुनकर वागेंद्रिय ने शरीर में पुनः प्रवेश किया। स्टॉप, इसके बाद चक्षु कोमा स्रोत आदि इंद्रिया भी शरीर से बाहर निकल गई, किंतु फिर भी शरीर का कार्य चलता रहा। स्टॉप, पेरा, अंत में प्राण बहिगमन करने के लिए तत्पर होता है। स्टॉप, जिस तरह शक्तिशाली अश्व स्वयं को बंधन से मुक्त कर लेता है कोमा, उसी प्रकार प्राण ने समस्त इंद्रियों के बंधन से अपने आप को मुक्त किया। स्टॉप, तब उन सब ने प्राण से निवेदन किया कि भगवान, स्टॉप, आप अपने ही स्थान पर रहे कोमा, आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं कोमा, आप बाहर न जाएं। स्टॉप, इसीलिए लोक में वाक आदि समस्त इंद्रियों को प्राण नाम से ही संबोधित करते हैं कोमा, क्योंकि ये सभी प्राण के कारण ही प्राणवान है। स्टॉप, जो देवगण कोमा मनुष्य और पशु आदि प्राणी है कोमा, वे प्राण के आश्रय से ही चेष्टा करते हैं कोमा, क्योंकि प्राण ही समस्त प्राणियों की आयु है। स्टॉप, यह सभी प्राणियों का जीवन है। स्टॉप, पेरा, संहिताओं कोमा ब्राह्मणों और उपनिषदों में सर्वत्र प्राणों की उपासना करने का विधान किया गया है। स्टॉप, वेदोक्त प्राण कोमा श्वास और प्रश्वास से भिन्न कोई अन्य पदार्थ है। स्टॉप, वह आत्मा से उत्पन्न होकर आत्मा या ब्रह्मा के ही व्यक्त स्वरूप शक्ति का रूप धारण किए हुए हैं। स्टॉप, अतः वह ब्रह्मा ही प्राण है। स्टॉप, शरीर में प्राण के 5 क्रियात्मक रूप प्राण कोमा अपान कोमा समान कोमा व्यान और उदान प्रतीत होते हैं। स्टॉप, और बाहर सूर्य शक्ति प्राण कोमा पृथ्वी की आकर्षण शक्ति अपान कोमा आकाश समान कोमा वायु व्यान कोमा और अग्नि उदान है। स्टॉप, पेरा, प्राण और अपान दोनों ही शरीर के पोषक रक्षक प्राण है। स्टॉप, प्राण शक्ति प्रदाता और निर्माण करता है। स्टॉप, यह जठराग्नि से जुड़कर शरीर की सप्त धातुओं के रस निर्माण में भूमिका निभाता है। स्टॉप, शरीर की दैनिक क्रिया रस और मल के सिद्धांत पर ही टिकी है। स्टॉप, उदाहरण के लिए रक्त से जब मांस का निर्माण होता है कोमा, तब मांस रक्त का रस कहलाता है और शेष बचा रक्त मांस का मल है। स्टॉप, अपना शरीर से मलों का विसर्जन करके शरीर को शुद्ध निरोग रखने में सहायक है। स्टॉप, शरीर में प्राण अपान स्थूल प्राण है। स्टॉप, गीता में प्राण को अपान को भी यज्ञ कहा गया है। स्टॉप, साधारणतः आज सभी मनुष्य प्राणायाम करते हैं। स्टॉप, प्राणों की स्वाभाविक गति को रोककर विशेष
रीति से नियोजित करने का नाम ही प्राणायाम है। स्टॉप, इसमें शरीरस्थ प्राण और अपान वायु की विशिष्ट भूमिका रहती है। स्टॉप, बाहर के वायु का भीतर प्रवेश करना अपान कहलाता है। स्टॉप, भीतर की वायु को बाहर निकालना प्राण कहलाता है। स्टॉप, इस प्राणायाम प्रक्रिया में प्राण का अपान में हवन कोमा अपान में प्राण का हवन तथा दोनों की गति का निरोध में हवन किया जाता है। स्टॉप, इनके नियमित अभ्यास से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होता है। स्टॉप, प्राणान रूप श्वास एवं अपान रूप प्रश्वास से ही मरण धर्मा प्राणी जीवित रहता है। स्टॉप, पेरा सृष्टि स्वयं तो पूर्ण रूपेण प्राणायाम ही है। स्टॉप, प्राण से ही मन आगे बढ़ता है। स्टॉप, ब्रह्मा की इच्छा से प्राण ही मन से पृथ्वी तक का निर्माण करता है। स्टॉप, संपूर्ण प्रकाश मंडल और शोर रसीमयों का समूह मात्र है। स्टॉप, सहस भाव से संपन्न रश्मियां सूर्य केंद्र से जुड़ी है। कोमा नियंत्रित है। स्टॉप, नियंता ही व्यान है। कोमा यम है। स्टॉप, इसी से नियंत्रित सारी रश्मियां प्राणात अपानत रूप से गतिशील बनी हुई है। स्टॉप, प्रत्येक रश्मि पीछे हटती हुई आगे बढ़ती है। स्टॉप, इसको संपर्ण क्रिया कहते हैं। स्टॉप, यही प्राण अपान व्यापार है। स्टॉप, पेरा विसर्गात्मक शक्ति के लिए वेद का शब्द है प्राणान, आहरण शक्ति के लिए शब्द है अपानन। स्टॉप, केंद्र से परिधि की ओर जाना प्राणन है। कोमा विसर्ग है। स्टॉप, परिधि से केंद्र की ओर आना अपानन है। कोमा आदान है। स्टॉप, पीछे हटना अपानन है। कोमा आगे बढ़ना प्राणन है। स्टॉप, मध्य में व्यानन है। स्टॉप, व्यान पर ही दोनों टिके हैं। स्टॉप, व्यान ही प्राण को ऊपर ले जाता है। कोमा अपान को नीचे फेंकता है। स्टॉप, पार्थिव अग्नि और सौर इंद्र व्यान पर अवलंबित है। स्टॉप, कठोर उपनिषद में भी कहा गया है कि प्राणी व्यान से ही जीवित रहते हैं। स्टॉप, इसके आधार पर प्राण और अपान स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। स्टॉप, पेरा यही प्राण मानव की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। स्टॉप, अहम ब्रह्मास्मिम कोमा ब्रह्मो वेदम सर्वम इत्यादि श्रुति वचनों को मानव इसी प्राण की सहायता से अंत्योचेष्टा करने में समर्थन हो पाता है। पूर्ण विराम, धन्यवाद। दो तीन बार लिखोगे तो आप आराम से करो, जाएगी आपसे।